हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इस सीरीज के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और उनके की पॉइंट। इसके पहले पहले वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और की पॉइंट्स आपको बताए थे, तो उन वीडियोस को आपने काफी पसंद किया, काफी कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आप लोग अगर इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग इसी तरह और कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। इस चैनल के अंदर हम आप लोगों को फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, पूरा फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। और ये मैं अभी शॉर्ट नोट्स इसलिए बना रहा हूँ कि ये 2017 में जिन लोगों ने कहीं से कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है या थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज है तो उनके लिए पूरा काम में आएगा। और जिन लोगों ने अभी कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी इन वीडियोज को देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन वो कम्युनिकेशन में इजिली कवर कर पाएंगे। मैंने इतना कुछ इस वीडियोज में बताने की कोशिश की है, तो पूरे कम्युनिकेशन को मैंने 4 से 5 वीडियोज में समाप्त करूंगा मैं। तो कम्युनिकेशन पूरा सिलेबस डिवाइड होता है आपका 2 मेन टॉपिक्स में। एक तो आ जाता है आपका एनालॉग कम्युनिकेशन और दूसरा होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो वीडियो स्टार्ट किए थे उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट कम्युनिकेशन ही स्टार्ट किया था। तो कम्युनिकेशन के 7 से 8 वीडियोज मैंने शायद अपलोड किए थे, तो उस टाइम पर उन वीडियोज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो आप उन वीडियोज के आप पीडीएफ नोट हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर लिए होंगे, या नहीं किए हैं तो आप हमारे ब्लॉग gate2psu.blogspot.in पर जाकर उससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सीरीज में कम्युनिकेशन के आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और की पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन। तो कम्युनिकेशन में अपन स्टार्ट करते हैं पहला एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के पहले अपन ने फर्स्ट वीडियोज में देखे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड 6 वीडियोज देखे थे। तो इसमें अपन देखते हैं जो वॉइस सिग्नल की रेंज होती है, वॉइस सिग्नल की रेंज होती है 300 to 3.5 kHz। जो अपन ह्यूमन बीइंग है उनकी वॉइस होती है उसकी रेंज होती है फ्रिक्वेंसी के टर्म में 300 to 3.5 kHz। और जो ऑडियो सिग्नल होते हैं ऑडियो सिग्नल की रेंज होती है 20 Hz to 20 kHz। जैसे कि ये एक फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होता है आपका, ये 0 हो गया, ये यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो जो वॉइस सिग्नल की रेंज है वो आपकी 300 Hz to 3.5 kHz। तो यहाँ कहीं आपका 300 होगा, 300 to 3.5 kHz तक। और जो ऑडियो सिग्नल की रेंज है वो होती है आपकी 20 Hz to 20 kHz। तो 20 Hz आपका यहाँ कहीं होगा और 20 kHz आपका यहाँ कहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑडियो सिग्नल की रेंज होती है उसके अंदर ही आपकी वॉइस सिग्नल की पूरी रेंज आ जाती है। तो ये हुई ऑडियो सिग्नल की रेंज। और वीडियो सिग्नल की रेंज, वीडियो सिग्नल की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके यहाँ से लेके 4.5 MHz, मतलब बहुत ज्यादा होती है फ्रिक्वेंसी की रेंज वीडियो की। तो ये रेंज आपको इनको याद रखनी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में स्टार्ट करते हैं अपन एंटीना की हाइट से। एंटीना की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए? तो एंटीना की हाइट होनी चाहिए मिनिमम λ/4, जहां पर लैम्डा होती है आपकी वेवलेंथ। और आप जानते हैं कि f = c/λ होता है आपका, तो लैम्डा हो जाएगा आपका c/f हो जाएगा। तो एंटीना की हाइट हो जाएगी, आप लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, c/f। तो एंटीना की हाइट होगी फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे एंटीना की हाइट कम होती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन में अपन बेसिकली फ्रिक्वेंसी सिग्नल की इंक्रीज करते जाते हैं जिससे एंटीना की हाइट आपकी कम होती जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जो AM सिग्नल का जो मेन फॉर्मूला था वो था ये s(AM)(T)(AC1+KAM(T)(2πfct)। अब ये जो मेन फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है AM सिग्नल का। इस फॉर्मूले को आप और भी डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि इसका अपन ने ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसमें एक चीज और बता दूं, ये MT आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, और इसकी वैल्यू होती है AM cos 2πfmt, AM cos 2πfmt। इसको अपन ने ब्रैकेट ओपन किया तो आपका हो गया AC1+KAMT की जगह पर अपन ने लगा AM cos 2πfct, और cos 2πfct ब्रैकेट के बाहर हो गया। तो ऐसे AM को आप क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन किया तो AC cos 2πfct हो गया, और AC μ cos 2πfmt into cos 2πfct। अब μ क्या है, μ होता है आपका KA into AM, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये मैंने डिटेल्स में आपको बता भी चुका हूँ μ क्या होता है, μ मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है आपका। तो AM सिग्नल को आप क्या लिख सकते हैं, AC cos 2πfct प्लस इसको आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos A into cos B का। तो इसमें फॉर्मूला अपन ने लगाया तो कितना हो गया, AC μ/2 cos 2πfc + FM into T, और AC μ/2 cos 2πfc - FM into T। तो ये हुआ AM सिग्नल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखने का तरीका। AM बैंडविड्थ होती है आपकी 2 into मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। मान के चलिए मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ आपकी कितनी है,
ओमेगा है तो आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ होगी उसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए 2 ओमेगा, जस्ट मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के डबल, ये आपकी होती है एएम सिग्नल की बैंडविड्थ। अब इसमें पावर की बात करते हैं, पावर आपका होता है पीटी इक्वल्स टू पीसी प्लस पी अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड। टोटल जो पावर होता है वो होता है आपका कैरियर पावर प्लस पी अपर साइड बैंड पावर प्लस पी लोअर साइड बैंड पावर। तो ये जैसा कि आप इस सिग्नल में अपन ने देखा था यहाँ पर, ये था आपका कैरियर पावर एसी कॉस 2πfct और एसी म्यू बाई 2 cos 2πfc प्लस fmt, ये हो गया आपका अपर साइड बैंड का पावर, और एसी म्यू बाई 2 cos 2πfc माइनस fmt हो गया आपका लोअर साइड बैंड का पावर। तो इस तरीके से हो गया टोटल पावर कैरियर पावर प्लस अपर साइड बैंड का पावर प्लस लोअर साइड बैंड का पावर। अब पावर क्या होता है, पावर किसी साइनोसॉइडल सिग्नल है उसका पावर आप कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर अपॉन 2। कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है, मान के चलिए एसी कॉस 2πfct है, एसी कॉस 2πfct कोई सिग्नल है, तो इसका पावर आप कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर एसी स्क्वायर बाई 2। तो अपर साइड बैंड का पावर कितना हो जाएगा, जैसा कि अपन ने पिछली स्लाइड में देखा अपर साइड बैंड के लिए एम्पलीट्यूड था उसका कितना एसी म्यू बाई 2, तो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हुआ साइनोसॉइडल सिग्नल की पावर। तो अपर साइड बैंड की पावर कितनी हो जाएगी, एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4 बाई 2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगी आपकी अपर साइड बैंड की पावर। ऐसे आप लोअर साइड बैंड की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं लोअर साइड बैंड के एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की पावर आ गई इक्वल एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। तो टोटल साइड बैंड पावर जो हो जाएगी, टोटल साइड बैंड पावर हो जाएगी अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसकी टोटल साइड बैंड की पावर हो जाएगी एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पावर हो जाएगी आपकी, टोटल पावर हो जाएगी आपकी कितनी, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसकी टोटल पावर होगी वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको अपन ने पीटी इक्वल्स टू पीसी कोष्टक 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए। इस ब्रैकेट को जैसे आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा पीटी इक्वल्स टू पीसी प्लस पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब पीसी क्या होता है आपका कैरियर का पावर, तो पीसी की वैल्यू होती है एसी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल साइड बैंड। तो टोटल पावर हो जाएगा आपका पीसी प्लस टोटल साइड बैंड पावर, या टोटल पावर हो जाएगा आपका पीसी प्लस पी अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड। तो इस टाइप से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। साइड बैंड पावर का आप दूसरा फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका टोटल कैरियर पावर और ये जो पावर बचा है ये हो गया आपका साइड बैंड पावर। तो पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया आपका टोटल साइड बैंड पावर। तो ये अलग अलग टाइप से लिखने के इनके फॉर्मूले हुए। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि एएम जनरेशन की मेथड कौन कौन सी होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए बेसिकली 2 मेथड अपन यूज करते हैं, फर्स्ट होती है स्क्वायर ला मॉड्यूलेशन और दूसरी होती है सोचेंग ला मॉड्यूलेशन। इन दो मेथड से अपन एएम को जनरेट करते हैं, और एएम को डीमॉड्यूलेट करने के लिए अपन बेसिकली 3 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट होती है आपकी स्क्वायर ला डीमॉड्यूलेटर, सेकंड होती है एनवेलप डिटेक्टर और थर्ड होती है सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर। तो इसमें जो मोस्टली यूजफुल मेथड होती है वो होती है आपकी एनवेलप डिटेक्टर, क्योंकि ये मेथड से डिटेक्ट करना अपन को बहुत इजी होता है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत चीपर होता है। बाकी सिंक्रोनस डिटेक्टर होती है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इस मेथड से एएम को डिमॉड्यूलेट करना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये एएम को डिमॉड्यूलेट मेनली अपन करते हैं एनवेलप डिटेक्टर से। ठीक है, अब म्यू इक्वल्स टू 0 की वैल्यू अगर रखी अपन ने तो नो मॉड्यूलेशन हो जाएगा। नो मॉड्यूलेशन से क्या मतलब है, जैसे अपन ने पिछली स्लाइड में देखा है कि म्यू इक्वल्स टू अगर अपन ने 0 पुट कर दी यहाँ पर तो ये वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी। तो पीटी हो जाएगा आपका टोटल पीसी के इक्वल, मतलब जो टोटल पावर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैरियर पावर। तो इस टाइप से इसमें कोई सा भी मॉड्यूलेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका नो मॉड्यूलेशन की कंडीशन। और जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे साइड बैंड्स में पावर टोटल पावर का बढ़ता जाएगा। तो अब बात करते हैं अपन ईटा की। ईटा आपका क्या होता है, मॉड्यूलेशन इफिशियंसी। ईटा होता है आपका टोटल साइड बैंड अपॉन टोटल पावर, मतलब साइड बैंड में कितनी पावर जा रही है आपकी टोटल पावर की, टोटल साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, टोटल पावर में से कितनी पावर आपकी साइड बैंड में जा रही है। तो अपन चाहते हैं कि टोटल पावर में से मैक्सिमम पावर अपनी साइड बैंड में ट्रांसफर हो, तो मॉड्यूलेशन उतना इफेक्टिव माना जाता है आपका। और ईटा का एक फॉर्मूला होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनसे याद रखने हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इनमें से।
ए मैक्सिमम, ए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू होती है ए सी वन प्लस म्यू, और मिनिमम की वैल्यू होती है ए सी वन माइनस म्यू। ये फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, आप याद रख सकते हैं इनको। ए सी की वैल्यू अगर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड गिवन है, तो ए सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम डिवाइड बाई टू। और म्यू जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइड बाई ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। बेसिकली जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एम अपॉन ए सी। अगर ए एम और ए सी की वैल्यू आपको गिवन है, तो ए एम अपॉन ए सी करके आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुई सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात। अब मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अपन आते हैं, तो एस ए एम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए सी वन प्लस, अब यहाँ पर म्यू वन और म्यू टू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टी टोन की बात हो रही है। तो म्यू वन कॉस टू पाई एफ एम वन टी प्लस म्यू टू कॉस टू पाई एफ एम टू टी, और ये कैरियर सिग्नल सेम रहेगा, बाहर ही रहता है इसमें। तो ये हुआ मल्टी टोन का सिग्नल, ठीक है। इसमें म्यू की दो वैल्यू आ जाती है, म्यू वन और म्यू टू। अब इसमें जैसे आपको करंट कैलकुलेट, ये हुई पावर कैलकुलेट करने की बात। अब करंट कैलकुलेट करने के लिए अगर इसमें बोला जाए या वोल्टेज कैलकुलेट के लिए बोला जाए, तो आई टी होता है टोटल करंट आई सी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और वी टी होता है वी सी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाई। ये बेसिकली फॉर्मूला आपका आया क्योंकि PT जो होता है आपका P इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर इनटू R। तो जो R हो जाएगा ये इसके ऊपर आ जाएगा। जो पावर का फॉर्मूला था वो था आपका कितना, PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आपके इसके ऊपर स्क्वायर रूट इसलिए आ गया क्योंकि P होता है आपका I स्क्वायर इनटू R। तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं करंट के लिए, वोल्टेज के लिए और पावर के लिए। जो इसकी बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ होगी 2 इनटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये हुई मल्टी टोन में बात, क्योंकि अभी सिंगल टोन में बात हो रही थी, तो एएम के लिए बैंडविड्थ 2 इनटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। अब लेकिन मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ होगी वो होगी 2 इनटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो जो आपका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आप बैंडविड्थ इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टी टोन एएम के लिए। अब इसमें बात करते हैं अपन पीटी। पीटी क्या होगा, पी सी वन प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू एज इट इज, और ईटा हो जाएगा आपका, ईटा आपका वही होता है मॉड्यूलेशन इफिशियंसी पी साइड बैंड अपॉन पी टी। तो इसके लिए म्यू टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू टी स्क्वायर, और जो कैरियर पावर होगा वो सेम रहेगा ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर। तो म्यू टी की वैल्यू हो जाती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AM is used for long distance communication. AM को अपन basically prefer करते हैं long distance communication के लिए, mainly use करते हैं इसको broadcasting के लिए क्योंकि ये थोड़ी noisy ज़्यादा होता है और इसका demodulation simple होता है, इसलिए इसको mainly broadcasting के लिए use करते हैं। इसके जो receiver होते हैं AM के, उनको design करना थोड़ी easy होता है, इसलिए demodulation इसमें simple होता है amplitude modulation में। अब इसमें बात करते हैं अपन squareless demodulation की। squareless demodulation क्या जरूर करता है, ये आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन म्यू के, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो बेसिकली जो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन के लिए अपन चाहते हैं कि म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाए, लेकिन म्यू की वैल्यू अपन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो सिग्नल टू नॉइस का रेशियो आपका कम होता जाएगा, जबकि आइडियली सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए अपन म्यू की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस म्यू की वैल्यू सिग्नल टू नॉइज रेशियो के इनवर्स होती है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अपन एनवेलप डिटेक्टर की। एनवेलप डिटेक्टर आपका बेसिकली मिलके बनता है एक डायोड से और कैपेसिटर का, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है एनवेलप डिटेक्टर में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ सी इज लेस देन आर एल सी इज लेस देन वन अपॉन एफ एम। आर सी होता है आपका टाइम कॉन्स्टेंट, ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ये आपको फॉर्मूला इसमें याद रखना है। म्यू का एक और फॉर्मूला होता है के ए इंटू ए एम अपॉन ए सी, लेकिन बेसिकली आपको फॉर्मूला याद ये रखना है कि ए एम अपॉन ए सी होता है आपकी म्यू की वैल्यू। ए एम गिवन है, ए सी गिवन है, तो म्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए एम अपॉन ए सी करके, ठीक है। तो इसमें एक चीज और याद रखनी है, क्यू एनी का जो इफेक्ट होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है। क्यू एनी होता है आपका क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, ये मैं आपको डिटेल्स में आगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियोज में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।